Today we are going to see break and continue statement in shell programming. Friends, as you have already learned the concept of break and continue statement in C programming language data structure course, तो same concept होगा shell programming में और shell script में. तो break का काम जो होता है कि किसी भी loop से terminate करना. So here I have written one point related to break. Break statement is used to terminate the execution of the entire loop. यदि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो सपोज दैट यू आर रनिंग अ लूप, आपको 5 टाइम्स उस लूप को एग्जीक्यूट करना है एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, आफ्टर दैट थर्ड इटरेशन, उसके बाद आपको प्रिंट नहीं करना है, तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू यूज करेंगे. मतलब नेक्स्ट इटरेशन को आपको कंटिन्यू करने के लिए विदाउट एनी चेकिंग कंडीशंस. और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड to execute the next iteration. Here we have one point related to continue statement. Continue statement is used to execute the next iteration of the loop if any unsatisfying or error condition occur at the current iteration. यदि ऐसा होता भी है then एक continue आप यदि use किए हैं then it will display or execute next iteration. तो हम लोग यहाँ पे एक example से भी देखेंगे. So I am going to show you one simple program how to write code for break or continue statement. Suppose that this is the shell program for break statement. So you all are familiar with this is the interpreter line, right? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि it start with hash. यदि hash हमारा बाकी के line में यदि available होगा और जब भी हम लोग लिखेंगे that is considered as a comment line. So always remember this point. हमने यहाँ पे एक loop लिया, i का value 1, 2, 3, 4, मतलब 4 times चलेगा. And we have अनदर इनर लूप जे इन 0 एंड 3. तो आई का वैल्यू एक बार 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और जे का वैल्यू एक बार 0 होगा और दूसरी बार 3 होगा. तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया है कि इफ डॉलर आई इक्वल टू 2 एंड दिस इज फॉर लॉजिकल एंड डॉलर जे इक्वल टू 3. यदि ऐसा केस होगा तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं किसको, ब्रेक टू. ब्रेक टू का मतलब ये हुआ कि इस लूप को हम लोग टर्मिनेट कर रहे हैं, इसे हम लोग बाहर चले जा रहे हैं. एल्स एको डॉलर आई डॉलर जे. तो जब भी ऐसा कंडीशन होगा डॉलर आई की वैल्यू 2 डॉलर जे की वैल्यू 3 होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर इसे बाहर जाएंगे. तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल कि आपको डिस्प्ले क्या करना है, डॉलर आई डॉलर जे. तो इसके लिए आप खुद से एक बार ट्राई करें कि इसका आउटपुट क्या होगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो आई का वैल्यू जब एक बार 1 होगा सो आई इक्वल टू 2 नो सो इट विल गो टू द एल्स पार्ट. सो डॉलर आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1 एंड जे का वैल्यू क्या है 0. सो 1 0 विल बी printed. So here I have written कि 1 0 and once again loop आगे बढ़ेगा. So j का value फिर क्या होगा, क्योंकि inner loop है तो i का value 1 के लिए 2 times execute होगा, तो 0 के लिए execute हुआ, 3 के लिए execute हुआ. तो once again j is equal to 3 and i क्या है हमारा 1 है. तो once again if condition ये satisfy नहीं करेगा तो else में आएगा. So 1 and 3 भी display होगा. So here I have written 1 and 3. Once again j का value क्या है, 2 बार ही चलेगा. So in बाहर के loop में जाएगा. So i का value क्या होगा, 2 होगा. तो i का value 2 and once again it will check for टू डिफरेंट कंडीशंस, जे का वैल्यू 0 और 3 के लिए. तो आई का वैल्यू जब 2 होगा एंड दिस इज 0 तो वंस अगेन इफ कंडीशन इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई तो 2 एंड 0 विल बी डिस्प्लेड. वंस नाउ इट विल बी 3, जे का वैल्यू 3 होगा, आई का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है. तो डॉलर आई इक्वल टू 2 एंड डॉलर जे इक्वल टू 3. अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू हो रहा है. तो ट्रू होने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रेक कर जाएगा तो फोर लूप से सीधे बाहर जाएगा. तो इस तरह से आप ब्रेक स्टेटमेंट को समझ सकते हैं कि हम लोग ब्रेक कब यूज करते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट विद प्रॉपर एग्जांपल. तो यहां पर हमने एक प्रोग्राम लिखा है. सो वंस अगेन दिस इज द इंटरप्रेटर लाइन. हमने यहां पे एक वेरिएबल लिया arr जिसमें हमने साइन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज द एरे वेरिएबल. फॉर आई इन डॉलर arr मतलब आई का वैल्यू क्या होगा, एरे का हर वेरिएबल को रीड करेगा. डू जे का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आई मोड 2. इसका मतलब है कि जे में हम लोग या तो 0 स्टोर होगा या 1 स्टोर होगा, क्योंकि हम लोग 2 से मोड कर रहे हैं आई में. तो आई का वैल्यू यदि ऑड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा. सो 1 विल स्टोर इन जे. अदरवाइज आई का वैल्यू इवन होगा तो ये 0 स्टोर करेगा जे में. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इफ कंडीशन लगाया है, डॉलर जे का वैल्यू जब इक्वल टू 0 होगा देन डॉलर जे क्या प्रिंट करेगा, इवन. और यहाँ पर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज किया है और उसके बाद हमने क्या किया है, ऑड प्रिंट करेगा सिंपल. तो फ्रेंड्स इसको समझने का कोशिश करें, मतलब क्या है कंटिन्यू स्टेटमेंट का, कि सपोज दैट डॉलर जे का वैल्यू सेटिस्फाई किया 0 से, तो 0 से प्रिंट
तो ये लाइन को प्रिंट करेगा। अब इस लाइन को प्रिंट करने का तुरंत कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने का मतलब ये हुआ कि वंस अगेन आई का वैल्यू जो हमने पहले सपोज दैट जिस नंबर के लिए एग्जीक्यूट हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट वाला वैल्यू तुरंत एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसके लिए। तो आई का वैल्यू 1, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि 1 मोड 2 क्या होगा 1 होगा। तो इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये कहां पे आएगा, 1 को ऑड आएगा। तो सबसे पहले क्योंकि ये कंडीशन जब फॉल्स है तो हम लोग यहां पे नहीं आ रहे, इफ में आ ही नहीं रहे। तो इफ में जब नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, कंटिन्यू भी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इफ का पार्ट हमारा ये है। तो इसमें नहीं आ रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब ऑड। तो ऑड पहले प्रिंट होगा। आई का वैल्यू 2 होगा तो 2 मोड 2 क्या हो गया 0। तो 0 जब वैल्यू आएगा तो इफ कंडीशन ये क्या है, ट्रू हुआ। ट्रू हुआ तो क्या हुआ, डॉलर जे इजी बेन, इसका मतलब डॉलर जे 2 इजी बेन हो गया प्रिंट। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने का मतलब आई का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए फिर उसी तरह से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का मतलब क्या, 3 मोड 2 इज नथिंग बट 1। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इफ कंडीशन फिर से ट्रू नहीं होगा तो हम लोग ऑड, वंस अगेन ऑड विल बी प्रिंटेड। उस तरह से हम लोग फिर से नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, 4 होगा तो 4, तो जे में क्या स्टोर हो जाएगा, 4 मोड 2 नथिंग बट 0। तो फिर से इफ कंडीशन ट्रू होगा। इफ कंडीशन में यहां पर फिर से हम लोग प्रिंट करें डॉलर जे इज इवन, तो इंस्टेड ऑफ डॉलर जे वी मस्ट राइट हियर डॉलर आई, सो दैट आई का वैल्यू प्रिंट होगा या तो 2, 4 जो भी है, तो 4 इज इवन राइट, ये प्रिंट हुआ। अब फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग फिर से आई का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज द वे टू यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट। यदि हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे खासतौर पर उस जगह पे हमें काम आता है जब मान लीजिए कि इसके बाद वाला स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो हम यदि यहाँ पे कंटिन्यू यूज किए हैं और इसके बाद यदि हमारा स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करके, ये वंस अगेन फिर से आगे बढ़ा देगा लूप को और इटरेशन को। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच।